इज मानसी। तो आज हम आए हैं स्काईलाइन पिज़्ज़ेरिया कैफे और आज हम यहाँ का फूड टेस्ट करने वाले हैं और साथ में आपको रिव्यू भी देने वाले हैं कि फूड यहाँ का टेस्टी है या टेस्टलेस, चीप है या एक्सपेंसिव। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलो घूमते हैं। सो ये है एंट्रेंस जहाँ से हम एंट्री करेंगे और एंट्री करने से पहले इधर बाहर में ही इनकी पार्किंग सुविधा मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आप स्कूटी या फिर बाइक से आ रहे हैं तो बाहर आप खड़ी कर सकते हैं, बाहर सिक्योरिटी भी था। सो सेफ्टी के लिए भी बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज़। और गूगल में जैसा मैंने देखा था बिल्कुल सेम कैफ़े था। और आगे अभी चले देखते हैं, नीचे बेसमेंट में भी काफ़ी चेयर टेबल्स लगी हुई हैं और काफ़ी खाली भी थी, तो बट मुझे यहाँ पर बैठना नहीं था। मैंने सोचा मैं ऊपर जाकर के बैठूंगी, वो भी बालकनी में चेयर टेबल्स लगी हैं, उधर ही जाकर के बैठूंगी और मस्त ठंडी ठंडी हवा में ही खाऊंगी। तो चलो ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। वीडियो बिल्कुल भी आगे बढ़ा बढ़ा के नहीं देखिएगा, मैंने इसमें बिल भी शेयर किया है कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और पूरा मेनू भी शेयर किया है, मेनू का एक एक पेज मैंने शेयर किया है ताकि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स फैमिली या कपल्स में आने के लिए तो आपको इजी रहे, एक आइडिया मिल जाए कि हाँ यहाँ पे क्या क्या प्राइस है। और एड्रेस मैं आपको बता दूंगी, जेपी नगर 6th फेज में है, गूगल पे आप डालेंगे तो आ जाएगा आपका, तो आप इजीली यहाँ पे आ सकते हैं। और आगे मैं आपको बताऊँगी कि मेनू, पूरा मेनू आपको दिखाऊंगी, क्या क्या ऑर्डर किया था वो सारा कुछ बिल में आपको देखने को मिलेगा। तो आगे देखिए। या गाइस, तो मैंने स्काईलाइन पिज़्ज़ेरिया का मेनू चेक किया और ये बहुत ज़्यादा चीप है। मतलब कि आप पास्ता का रेट देख सकते हैं 99, पिज़्ज़ा जो है वो 59 रुपीज़ में मिल रहा है, वो भी स्मॉल इंच का, और इटालियन पिज़्ज़ा 99 में, वेजी पैराडाइज पिज़्ज़ा 99 रुपीज़ में। मतलब इतना चीप है। अभी हमने ऑर्डर किया है काफ़ी सारे आइटम और देखते हैं टेस्ट में कैसा है। चीप। सो ये है मेनू, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो हर एक पेज पे जितना कुछ है वो मैंने सारा ये पूरा आपको दिखा दिया है, तो आप बहुत ध्यान से इसको देख लीजिए, आपको रेट का पूरा आइडिया मिल जाएगा कि क्या प्राइस कितने का है। फिलहाल बहुत ज़्यादा चीप है, सैंडविचेस बर्गर पिज़्ज़ा सब 99, 79, 59 रुपीज़ के रेंज में है। फ्रेंच फ्राइज़ और रोल, ये सारी चीज़ें, इवन मॉकटेल वगैरह भी और आइसक्रीम वगैरह भी, बहुत कम रेंज की, बहुत ही बजट फ्रेंडली कैफ़े है मैं बोल सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी, पिज़्ज़ा है, चिकन कबाब और चिकन विंग्स, फ्रेंच फ्राइज़ और ब्लू लेगन और चॉकलेट मिल्क शेक। तो ये सारा फूड अभी हमने स्टार्टिंग में ऑर्डर किया, सो क्वांटिटी आप देख सकते हो और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कैसा जैसा दिख रहा है आगे कैसा है खाने में, वो मैं आगे आपको वीडियो के एंड में देखने को मिलेगा, मैंने बताया हुआ है। सो जितने भी नॉन वेज आइटम थे उसका रिव्यू आदि देगा और वेजिटेरियन जितने आइटम मैंने ऑर्डर किए थे उसका रिव्यू मैं दूंगी कि वो कैसा था। सो तब तक वीडियो आप इन्जॉय करिए और देखिए पूरा, मैंने एक भी चीज़ें मिस नहीं किए हैं, मतलब मैंने सारी चीज़ें जितना वहाँ पे था सब कुछ दिखाने की कोशिश की है। ये इनका पिज़्ज़ा बनाने का तरीका मुझे कुछ डिफरेंट लगा तो मैंने सोचा मुझे दिखाना चाहिए। और पता है मैंने बालकनी में बैठ के काफ़ी इन्जॉय किया, मुझे बालकनी में बैठ करके ठंडी ठंडी हवा में खाने का मज़ा ना एक ना अलग ही आता है, अलग ही फील आता है। पता है मैंने क्या किया, मैंने पहले बालकनी में बैठ के वो पूरा स्टार्टिंग वाला खाया पिज़्ज़ा वगैरह, फिर इधर अंदर बैठ करके मैंने इधर ये चिकन रोल अगेन आदि के लिए ऑर्डर किया था, फिर सैंडविच आलू सैंडविच मैंने ऑर्डर किया बिकॉज मतलब पता है पेट नहीं भरा था बिकॉज डिनर के लिए आए थे ना, तो ये सब स्टार्टर में हो गया था। उसके बाद फिर ये ऑन द रॉक्स ये मॉकटेल फिर से ऑर्डर किया था, तो फिर से मतलब ये वाला, तो टोटल 3 हमने ट्राई किया था। आगे हम रिव्यू देंगे तो आपको पता चलेगा कौन सी चीज़ अच्छी थी कौन सी चीज़ अच्छी नहीं थी। और आगे अभी बिल भी आने वाला है तो आप एक बार बिल पे नज़र डाल लीजिए। तो ये सारे आइटम हमने ऑर्डर किए थे, पूरे 9 आइटम आप देख सकते हो जिसका ग्रांड टोटल है 747 रुपीज़। तो यार खाना खा करके हम लोग आ गए हैं और हम एक्चुअली आए थे डिनर के लिए, तो डिनर के लिए तो हाँ इधर कुछ भी नहीं था, मतलब हमें लगा कि कुछ मेन कोर्स में होगा बट मेन कोर्स में ऐसा नहीं था कुछ। सो हमने ऑर्डर जो किया था वो पिज़्ज़ा फ्रेंच फ्राइज, मैंने वेज में पिज़्ज़ा फ्रेंच फ्राइज और सैंडविच, और बाकी हमने 3 ड्रिंक्स ऑर्डर की थी, एक रेड एक ब्लू और एक चॉकलेट मिल्क शेक, तीनों ही बहुत अच्छी थी। पिज़्ज़ा 99 रुपीज़ का था, वो शेफ स्पेशल पिज़्ज़ा था, सो प्राइस के अकॉर्डिंग पिज़्ज़ा ठीक था, अच्छा था मैं बोलूँगी, बहुत ही ज़्यादा थिन पिज़्ज़ा था, मतलब आपको पसंद आएगा। सो रेट के अकॉर्डिंग मतलब खाना अच्छा था, आने लायक है, बट क्वांटिटी मतलब थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि लेस थी, थोड़ा कम थी, और साइज़ वगैरह भी थोड़ा सा, बट फिर भी प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है, चिल कर सकते हैं यहाँ पर आ करके। सो मॉकटेल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। तीनों ड्रिंक बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत पसंद आई, बाकी
चिकन रोल और विंग्स, चिकन विंग्स, चिकन सीख कबाब बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बिकॉज ये नॉन वेजिटेरियन है तो ये बता सकता है, इसने टेस्ट किया। बाकी वेज में सारा खाना ओवरऑल बहुत अच्छा था, वर्थ है आना, और चीप भी, एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत कम रेट पे है। आप फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ आ सकते हैं आराम से और चिल कर सकते हैं ना। और बिकॉज इधर जो बालकनी साइड था वो बहुत ही ज़्यादा व्यू मस्त था, हमने काफ़ी इन्जॉय किया। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके रखो। ओके बाय।